हाय गाइस, वेलकम टू द रियल इस्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आज फिर एक न्यू प्रॉपर्टी लेके आए जो तीन रो हाउस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट के अंदर आपको रोड देखने के मिलेगा कंक्रीट का, और यहां पर आपको ड्रेनेज लाइन मिलेगा। पाइपलाइन का काम हो गया है, कॉरपोरेशन के वाटर का पाइपलाइन का काम हुआ है, इन्होंने कनेक्शन लिया है बिल्डर ने। यहाँ पर आपका गेट आएगा काफ़ी बड़ी, इसके अंदर आपको पार्किंग देखने के लिए मिलती है। एंट्री लेते ही आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड में वाटर टैंक मिलेगा, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक 5000 लीटर का रहेगा। सेपरेट आपको इसके अंदर बोरवेल देखने के लिए मिलेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट पार्किंग आता है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, आपको इधर ये साइड से भी आपको एक एक्सेस मिलता है। चलते इसका विजिट लेते हैं, टूर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको इधर कंप्लीट पार्किंग देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ में अटैच आता आपको, इसको आप एज अ फर्स्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर वॉचमैन रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑफिस भी बना सकते हैं अपना। इधर आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का टाइल वर्क है। इसी के साथ में आपको एक वेंटिलेशन विंडो मिलेगा। यहाँ आता है आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। ये इसका पार्किंग है और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। साथ में दो आपको वेंटिलेशन विंडो देखने के मिलेगा, ये दो वेंटिलेशन विंडो है। और इसी के बैक साइड में आता है इसका यूटिलिटी एरिया, ये काफ़ी स्पेस मिलती है आपको। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसके साथ में आपको ये फर्स्ट बेडरूम है और ये पार्किंग है। चलते इसके सेकंड फ्लोर पे, इसका लिविंग रूम किचन का भी टूर करते हैं। इसके अंदर आपको टाइल वर्क देखने के लिए मिलेगा कंप्लीट, ये साइड में भी आपको टाइल वर्क देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मार्बल का है। इसके अंदर वो यूज़ करने वाले टाइल का स्टॉक आप देख सकते हैं। ये बोर के लिए भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। चलते इसके फर्स्ट फ्लोर पर, एक वेंटिलेशन विंडो मिलेगा हैवी व्हील के साथ में, और ये देख सकते हैं अभी इधर इसका टाइल का वर्क बाकी है। ये इसका बालकनी मिलता है, ये बालकनी आता है काफ़ी बड़ी साइज़ का। और ये लिविंग रूम के साथ में आपको दो वेंटिलेशन विंडो मिलेगा, एक फर्स्ट वाला वेंटिलेशन विंडो, एक सेकंड वेंटिलेशन विंडो। इसके अंदर आपको सीलिंग डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर वगैरह सेट कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस मिलता है आपको, और यहाँ पर भी स्पेस आता है। ये इसका लिविंग रूम था। इसी के बैक साइड में आता है इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये इसका बाथरूम है। बाथरूम के अंदर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने टाइल का वर्क किया है। और एक वेंटिलेशन विंडो है, गीजर के लिए दो पॉइंट है। और ये आता है इसका किचन, किचन भी काफ़ी बड़ी साइज़ का मिलता है आपको देखने के लिए। इसके अंदर आपको टाइल वर्क देखने के लिए मिलेगा, एक वेंटिलेशन विंडो है। किचन के बैक साइड में आता है इसका वॉशिंग एरिया, ये वॉशिंग एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर भी आपको नॉर्मली एक टैप देखने के लिए मिलेगा काफ़ी बड़ी साइज़ का। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये इसका लिविंग रूम है, हॉल, इसी के साथ में अटैच में बालकनी है। चलते इसके सेकंड फ्लोर पे, ये इसका फर्स्ट फ्लोर था। यहाँ पर अभी भी एक वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिलेगा हैवी व्हील का, इसका आपको एक महीने के अंदर पोजीशन मिल जाएगा कंप्लीट करके। ये आता है इसका फर्स्ट बेडरूम, ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ का मिलता है। इसके साथ में अटैच बालकनी मिलेगा आपको। यहाँ पर आएगा आपका डोर मॉडर्न टाइप का, और ये इसका वेंटिलेशन विंडो है, फर्स्ट वेंटिलेशन विंडो। बेडरूम के साथ में आपको पीओपी मिलेगा, और इधर में मिलता है इसका, ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है जिसके अंदर भी टाइल वर्क काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसी के बैक साइड में आता है इसका सेकंड बेडरूम, और ये लास्ट बेडरूम है इसका जिसके साथ में दो वेंटिलेशन विंडो है, और ये इधर से एक वेंटिलेशन विंडो है। टाइल वर्क भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने टाइल का वर्क किया है। ये इसका सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे इसका पार्किंग और फर्स्ट बेडरूम था जिसको आप एज अ वॉचमैन रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे किचन और हॉल था। चलते इसके ओपन टेरेस के तरफ, दो वेंटिलेशन विंडो मिलेगा इसका, आपको दो साइड में ओपन टेरेस देखने के लिए मिलेगा। ये एक ओपन टेरेस है, और इधर की साइड से ये इसका ओपन टेरेस मिलता है आपको। ऊपर मिलेगा आपको वाटर टैंक। बात करते हैं इसके प्लॉट एरिया की, ये फर्स्ट वाले रो हाउस की 780 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया देखने के लिए मिलेगा, और 1500 इसका बिल्डअप एरिया मिलेगा। और ये जो दो रो हाउसेस है सेकंड और थर्ड वाला, तो इसका आपको 617 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया मिलेगा, और उसका भी 617 प्लॉट एरिया और 1500 बिल्डअप एरिया मिलेगा दोनों का। तीनों का बिल्डअप एरिया सेम है, और प्लॉट एरिया इसका ज़्यादा बड़ा है ये वाले के इससे। और बात करते हैं फाइनल इसके प्राइस की,
तो ये जो है आपको 65 लाख के अंदर अवेलेबल होगा, जो कि निगोशिएबल प्राइस है, और ये वाले आपको 63 लाख के अंदर अवेलेबल होंगे, निगोशिएबल प्राइस है। राइट साइड पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप ये प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं, जनरली इंटरेस्टेड है, तो राइट साइड में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ये प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको। बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो ये आपको अयप्पा मंदिर से बैक साइड के अंदर देखने के लिए मिलेगा।